आप ये कहते हैं मुझे काम बहुत रहता है, सत्संग में नहीं आ सकता, बड़ा काम धंधा है, इमरजेंसी हो जाए, तेरा बच्चा बीमार हो जाए, देखते हैं काम कैसे चलेगा, कैसे छुट्टी ले लेता है झट से, तब काम कौन चलाता है? क्योंकि सत्संग को जरूरी नहीं समझता इंसान, जबकि सत्संग में बना बनाया सुमरन वचनों पे पक्के रहने वाले बेतहा ले जाते हैं। सो ये बहानेबाजी बड़ी अजीब लगती है जब हम पूछते हैं किसी से, आप आए नहीं भाई सत्संग आया करो बेटा, बहुत काम धंधा रहता है, बहुत रहता है भाई, वाकई वाकई रहता है इतना काम धंधा कि आप सत्संग का एक दो दिन नहीं निकाल सकते? हमें तो नहीं जचता, आप साफ और सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि और कामों ससुराल में शादी हो देखते हैं कैसे नहीं जाते आप, मत जाओ तब कैसे काम चल जाता है दफ्तरों में, तब तो चार दिन की छुट्टी और चार दिन की एप्लीकेशन दोस्त को पकड़ा के जाते हैं, यार ससुराल में शादी है छुट्टी तो मैंने ले ली, बाई चांस वहां एक दो दिन ज्यादा लगे तो एप्लीकेशन आगे कर देना, क्यों? क्योंकि वहां जीजा जी जो होनी है, घर का जवाई राजा आया है, और जवाई राजा यूं वैसे कोई पूछता ही ना हो जाए तो, पर वैसे तो वहां वहां कैसे काम चल जाता भाई दफ्तरों में, कैसे सब जगह से छुट्टी मिल जाती है? सत्संग क्या फजूल है? अरे सत्संग फजूल के पाप कर्मों को जो आपको भोगने पड़ रहे हैं जला के राख कर देता है, इसलिए सत्संग में जरूर आया करोगे।